जीके इन शॉर्ट पर जीके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वेलकम फाइंडर्स, आप देख रहे हैं जीके इन शॉर्ट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंदौर की जनसंख्या कितनी है और ये 2020 के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इसे कंप्लीट जरूर देखें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि ऐसी जानकारियों के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। और आप हमारे जीके के ऐप को भी डाउनलोड जरूर कर लें, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत जनसंख्या के आधार पर चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। इंदौर की जनसंख्या कितनी है हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंदौर भारत के राज्य मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है जो कि मध्य प्रदेश का दिल भी कहलाता है। इतना ही नहीं, इंदौर सिटी मध्य प्रदेश की सबसे डेवलप सिटी भी है और इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी भी है। इंदौर भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों स्थित है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इंदौर की जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 19,94,398 थी, जो कि बीते पिछले 8 सालों में 11 लाख बढ़कर इस शहर की पॉपुलेशन ने 34,45,430 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिसके कारण इंदौर भारत का 14वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर बन गया है। इंदौर में सिर्फ जनसंख्या में नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में बहुत विकास कर लिया है। सफाई के मामले में 2016 में इस शहर ने पूरे भारत में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। आज इंदौर अपनी इसी ग्रोथ के कारण ही मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना इंदौर की जनसंख्या के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।